हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून मंथ के एक्स के हाल के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपका एक्स दरअसल कैसा फील कर रहा है इस जून के मंथ में, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, एंड क्या वो आपको अभी भी मिस करते हैं या मूव ऑन कर चुके हैं या फिर उनके कुछ और प्लान्स हैं। और अगर आप इन सारे सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो पे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक अलग ही आइडिया अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि आप दोनों अभी भी साथ में ही हैं। ओके, हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी ये बात समझ चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है या ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल है। कम से कम आपको तो इम्पॉसिबल ही लगती है। एंड ये पर्सन अभी तक इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ओके, सेवन ऑफ कप्स के साथ एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं, और ये भ्रम जो है वो इन्हें किसी और दुनिया में रखे हुए हैं। द सन के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि चाहे जो भी हो, आप दोनों फिर से साथ होंगे या आप दोनों के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि आप दोनों सेम हैं, या कह सकते हैं कि आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स हों, आप दोनों का मिलना डेस्टिन्ड है फिर से एक बार। तो आपका ये जो एक्स है, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से अभी उस ब्रेकअप को मान नहीं पाया। अगर ये ब्रेकअप उनकी तरफ से हुआ था तो भी, ओके, अगर ये ब्रेकअप इस पर्सन ने ये कह के किया था कि अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता और आपको शायद उन्हें भूल जाना चाहिए, या आप ही को ब्लेम करके इस रिलेशनशिप को छोड़ा, या आपसे ये कहा कि वो आप पर इंटरेस्टेड नहीं है और इसलिए इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया, ये सारी चीज़ें हुई भी अगर, तो भी अब इस पर्सन को लगता है कि वो गलत थे। और इस पर्सन के लिए इस केस में ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सोच रहे हैं कि आखिर वो आइडिया तो उन्हीं का था, जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपनी चॉइस से किया, वो अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं कर पाए, वो अपने मन की बात सुन नहीं पाए, तो आखिर गलती इसमें उन्हीं की है। वो कहे भी तो क्या कहे, एक्सप्लेनेशन दे भी तो क्या दे। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस पर्सन के दो फेस हैं, एक फेस जो सामने ये लोगों को दिखाता है, एक फेस जो कहीं और ही है, यानी इनकी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। दूसरी पर्सनालिटी से मेरा मतलब वो साइड जो इनका हिडन है, और ये पर्सन उस हिडन साइड से ही सारी इमेजिनेशन कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका एक हिस्सा है जो आपको अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहा, आपके बारे में सोच रहा है। एंड यहाँ पे बड़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, तो किसी खूबसूरत ख्याल में आजकल ये पर्सन जी रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि फिलहाल तो बस वही एक चारा है। स्पेशली टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जहाँ पे इनका जो कन्फ्यूजन है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इन्हें यह समझ ही नहीं आता कि ये करे क्या। एक मोमेंट में इन्हें लगता है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, और दूसरे मोमेंट में लगता है कि नहीं, रुकना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या एक्सक्यूजेस ही दे रहा था, सिर्फ नहीं चाहता था कि चीजें आगे बढ़े या नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जाए, वो अब रेडी है आपको ये पेंटिकल देने के लिए। वो अब रेडी है आपके साथ वो वादे करने के लिए जो इन्हें बहुत पहले ही करने चाहिए थे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनली आपको ये कमिटमेंट देना चाहेगा। ओके, फाइनली ये पर्सन अब सोच रहा है कि किस तरीके से कोई रास्ता निकाले। हालांकि वो रास्ता
इस मंथ में तो निकलता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि चैरियट पे होते हुए भी यानी एक्शन लेने के लिए पर्सन तैयार है पूरी तरीके से, कंफ्यूजन है ओके, ये रेडी तो है अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए या डिसीजंस को फॉलो करने के लिए, मगर अभी भी ये एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाए है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पे इस तरीके से चुप क्यों है या ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप फर्स्ट वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टेन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तुम्हारे पास है एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स के साथ ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के लिए एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन एक नई शुरुआत तो चाहता है। इनफैक्ट यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये पर्सन काफी टूट गया था, बिखर गया था, एंड फिर इस पर्सन ने अपने टुकड़ों को इकट्ठा किया, अपने पीसेस को इकट्ठा किया और फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए। एंड यही पेंटिकल जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पास लेके आ रहा है वो इनके पास भी है। तो दरअसल ये पर्सन अपने आप को बिल्ड कर रहा है, ये जो पेंटिकल है यहाँ इस कमिटमेंट को दर्शाता है। एंड ये पर्सन ये कमिटमेंट लेके एक बार खुद को संभालने के बाद, एक बार खुद को बिल्ड करने के बाद आपके पास लेके चला आएगा। इनफैक्ट द स्टार के साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में ओके। इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। टेन ऑफ कप्स के साथ ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको ये प्रॉमिस किया था कि वो आपसे शादी करेंगे या आप ही उनके लवर होंगे, आप ही उनके पार्टनर होंगे, एंड उसके बाद ये पर्सन अपनी बातों पे रह नहीं सका, स्टिक नहीं कर सका, और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ धोखा किया है ओके। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि अपने वादे को ना पूरा करना किसी धोखे से कम नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि शायद उन्होंने आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया या बहुत ज्यादा पुश किया है, आपको डोमिनेट किया है या आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अब ये समझ पा रहा है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गए और अब बात यहां तक पहुंच गई है। ये जो आपका एक्स है, इन्हें लगता है कि वाकई अब वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनके ये जिद करके उन्हें लगा था कि शायद आप ही अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले लेंगे या आप ही चीजों को चेंज करना चाहेंगे या सब कुछ ठीक कर लेंगे। हो सकता है आपके कुछ सजेशन देने पे या अप्रोच करने पे भी इस पर्सन ने आपको ये कहा हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इन्हें लग रहा था कि एंडलेस कंप्लेंट्स करते जाएंगे और आप उन सारे कंप्लेंट्स को एड्रेस करते जाएंगे एक के बाद एक, पर अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद उनसे गलती हुई है ओके। अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब वो करे तो क्या करे, ईगो सेक्रीफाइस करना इनके बस की बात नहीं है, कम से कम इस मंथ में तो नहीं। और दूसरी ओर इन्हें पता है कि आपसे अब वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, आपके पास अपना सेल्फ एस्टीम है, आप हर बार अपने आप को ही इग्नोर करके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बात इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो बदलाव है ये सबसे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आ रहे हैं। ऐसे बदलाव काफी शॉकिंग हो सकते हैं, सरप्राइजिंग हो सकते हैं और पेनफुल भी हो सकते हैं, पर ये बदलाव हर किसी के जीवन में आते हैं और ये जरूरी भी होते हैं हमारे सोल के एवोल्यूशन के लिए, डीप हीलिंग के लिए। एंड आपको अपना वक्त लेना चाहिए
और इस पर्सन को भी इनका वक्त देना चाहिए, क्योंकि अभी ये पर्सन कंफ्यूज है. ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पर्सन का इंतजार करते रहिए, नहीं, लेकिन जब तक आप खुद के लिए वक्त ले रहे हैं हील करने के लिए, तब तक आपको इस पर्सन के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और ना ही इनसे कुछ पूछने की जरूरत है. यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए यहाँ पे. ओके, तो ये है रीडिंग इस मंथ की आपके एक्स के हाल के बारे में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.